फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं आम का खट्टा मीठा अचार। यह अचार बहुत ही जल्दी बनता है, इसको बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इस अचार को आप रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। इसको आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे जाकर लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम आम। आम को मैंने छीलकर लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। 250 ग्राम चीनी, 2 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना। तो चलिए अचारी की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे या कोई गहरा बर्तन ले सकते हैं। उसको गर्म करेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, तेल में लाल मिर्च डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे, सौंफ डालेंगे। डालकर सबको अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। मसालों में हम कटे हुए आम डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। अब मसाले में हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे जिससे कि आम अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए आम और मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पैन को कवर करके और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम आम को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आम को बीच बीच में चलाते जरूर रहें, नहीं तो आम जल जाएंगे। ये देखिए आम हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमें चाशनी बनानी है, तो इसके लिए मैं सेम पैन का यूज़ कर रही हूँ। गैस को ऑन करेंगे। पैन में 100 ml पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है। चाशनी को हमें इतना गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें। अब हम चाशनी में आम डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई करके हम आम और चाशनी को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा थिक ना करें, क्योंकि ठंडी होने के बाद चाशनी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए आम की खट्टी मीठी अचारी हमारी तैयार है। इसको आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी अचारी की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे जाकर लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।